उस अधिकारी पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा जो लोकतंत्र की मंदिर है, वहाँ पत्रकारों को साथ मारा पीटी की जाती है। जो थानेदार है, एक दल के जो नेता है, उनके साथ धक्का मुक्की करेंगे तो उनसे जो बड़ी अधिकारी है, उनका मन कितना बड़ा हुआ हो सकता है। कल जो हमारे साथी CPIML के जो विधान सभा के जो नेता महबूब आलम जी पत्रकारों के साथ बातचीत करने के दौरान जिस प्रकार से उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। और हमने सदन के अंदर भी माननीय अध्यक्ष महोदय से ये मांग की है कि उस अधिकारी पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। और ये प्रिविलेज का भी मामला आता है। अगर बात की जाए तो ये पहली बार घटना नहीं है, ये तो विधानसभा जो लोकतंत्र की मंदिर है, वहाँ पत्रकारों को साथ मारा पीटी की जाती है, जनप्रतिनिधियों के साथ धक्का मुक्की की जाती है। ऐसा हम लोगों ने आज तक नहीं सुना ना देखा जो इस सत्र में हो रहा है। इसकी कितनी भी निंदा करें वो कम। और हम लोग ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि सदन में जब हम लोगों ने बात रखा है अध्यक्ष महोदय के समक्ष, क्योंकि ये कैंपस में अध्यक्ष महोदय ही हम लोगों को संरक्षण दे सकते हैं। हम लोग ये पहले से भी कहते रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान अधिकारी जो है वो नहीं। आप बताइए जो थानेदार है विधानसभा में कैंपस के अंदर, अगर वो विधायक एक दल के जो नेता है उनके साथ धक्का मुक्की करेंगे तो उनसे जो बड़ी अधिकारी उनका मन कितना बड़ा हुआ हो सकता है वो आप समझ सकते हैं। तो हम लोग तो ये शुरू से कहते हैं कि नीतीश जी के राज में अफसरशाही चरम सीमा पर है। हम लोग चाहते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। ये कोई पार्टी का मसला नहीं है, ये चाहे किसी भी दल के हो, ये जनप्रतिनिधियों की बात है। वाले को खदेड़ रहा है ये लोग, सीएम के आने का धमकी दे करके। सीएम है तो क्या है, उनके उनके मंत्रिमंडल में 18 मंत्री आपराधिक चरित्र के हैं। शाहनवाज हुसैन के पास पर के खिलाफ में जॉन शोषण और रेप का मामला है, उन्होंने नामांकन में छुपाया है विधान परिषद का। और आप यहाँ धरने पर क्यों बैठ गए? इसलिए कि हम लोग को हल्का रहा है, आप लोग को हका रहा है, आप लोग को जलील किया जा रहा है, ये हम देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग ही सम्मानित मंत्री है, हम लोग ही सम्मानित विधायक है। किन के साथ हो रहा है? गेट के बाहर बोला जा रहा है। कहाँ गेट के बाहर? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब हम यहाँ पे थे, आप जिस तरीके से बोल रहे थे हटो हटो, हाँ हटने के लिए तो हम बोले हैं, हम हटने के लिए बोले हैं। इस पर कोई कोई विधायक चलिए करेंगे सरकार की तरफ से कुछ क्या? सरकार की तरफ से कुछ मिला है क्या? बदतमीजी करो। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।